सेक्टर 51 स्थित सिटीजंस कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए और गहने के डिब्बे दीमकों ने नष्ट कर दिए। जब लॉकर होल्डर ने लॉकर खोला तो अंदर लॉकर की हालत देखकर वह चौंक गया। होल्डर ने शाखा प्रबंधक आलोक से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद प्रबंधक ने आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शाखा प्रबंधक आलोक ने सभी लॉकर होल्डरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने लॉकर की जांच कर लें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं और लॉकरों में दीमक तो नहीं लग गए हैं। इस घटना के बाद बैंक में हड़कंप मच गया और लॉकर चेक करने के लिए शाखा में भीड़ लगने लगी। एक लॉकर होल्डर के 2 लाख रुपए दीमकों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिए, जबकि 3 लाख रुपए ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उनका उपयोग बाजार में नहीं किया जा सकता। शाखा प्रबंधक से नोट बदलने की मांग। लॉकर होल्डर आरबीआई से इन नोटों को बदलवाने के लिए शाखा प्रबंधक पर दबाव डाल रहा है। एक अन्य होल्डर ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि बैंक ने उसे फोन कर लॉकर चेक करने के लिए बुलाया। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोट और गहने के बॉक्स दीमकों ने नुकसान पहुंचाया है उनको। होल्डर ने सवाल उठाया कि बैंक लॉकर शुल्क वसूल करता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। कम से कम साल में 2 बार टर्माइट ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। शाखा प्रबंधक का बयान भी सुनिए। शाखा प्रबंधक आलोक ने माना कि बैंक की दीवारों में सीलन है, जिससे दीमक आ गई होगी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अन्य लॉकर इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। लॉकर में पैसा रखने की अनुमति नहीं। जी हाँ, LDM इंदु जायसवाल ने बताया कि लॉकर केवल दस्तावेज, गहना और अन्य कीमती वस्तुएं रखने के लिए होता है, लेकिन रुपए रखना आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति पैसा रखता है तो उसे साबित करना होगा कि वह वैध है, अन्यथा उसे कानूनी परेशानी हो सकती है। लॉकर का ब्यौरा एक्सिस बुक में होता है। बैंक अधिकारी ने बताया कि लॉकर खोलने का विवरण एक्सिस बुक में दर्ज होता है। जब भी होल्डर लॉकर खोलने की बात करता है तो बैंक का अधिकारी लॉकर तक उसे लेकर जाता है और उसी के सामने लॉकर खुलवाया जाता है। बैंक अधिकारी ये नहीं देखता है कि लॉकर में क्या रखा है या क्या निकाला जा रहा है।